वन सेकेंड। हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेई डिज़ाइन। तो इस सेगमेंट पे हम लोग आप लोगों के सामने 3D प्रोडक्ट डिज़ाइन और 3D मॉडलिंग के वीडियोस लाएंगे। तो देखिए हमारा वीडियोस, और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं कि कैसे हम लोग सॉलिड वर्क्स के अंदर रिवॉल्व कमांड को यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर प्यार बहुत बढ़िया देखा तो आगे जाके हम लोग ऐसे बहुत वीडियो बनाने वाले आप लोगों के लिए। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रिवॉल्व कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने ये डायग्राम बना लिया इधर, और आपका बन जाने के बाद डायग्राम आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा, जो कि मैं इधर पे यूज़ किया हूँ। पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। पहले मिटा देता हूँ, मिटा दिया। तो मिटाने के बाद इसको मैं रिवॉल्व नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जब हमारा कोई लाइन नहीं रहेगा सेंटर पे, तब रिवॉल्व ऑप्शन मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो आप लोग पहले जो जैसा आपको डायग्राम चाहिए वैसा डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद एक लाइन कमांड पे जाके स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। आपको जो डायग्राम है उसके बराबर बना लिया। बनाने के बाद आपको स्केच से एग्जिट करना पड़ेगा। स्केच से एग्जिट हो गया, फिर रिवॉल्व ऑप्शन पे गया। रिवॉल्व पे जाने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं इधर पे एक्सिस लाइन सिलेक्ट कर लिया। आपको भी सिलेक्ट कॉन्टिनुअस को जाना है, फिर आपको ड्राइंग को सिलेक्ट करना है। आपका ड्राइंग आप सिलेक्ट कर लिया, फिर आप यस कर दीजिएगा। यस करते ही आपका रिवॉल्व कमांड काम कर लेगा। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कैसा लग रहा है रिवॉल्व कमांड पे। ये मैं एक चेस का जो होता है ना गुटी, उसको बनाया हूँ।